फर्स्ट न्यूमेरिकल है चैप्टर नंबर 3 का, फाइंड द टाइम टेकन बाय सनलाइट टू रीच द ग्राउंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 किलोमीटर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसमें यह कह रहा है कि हमने टाइम कितना टाइम लगाएगा सनलाइट जो सूरज की जो रोशनी है वो कितना देर लगाएगा कितना टाइम लगाएगा टू रीच द ग्राउंड मीन्स अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगाएगा। अगर डिस्टेंस सन और अर्थ के बिटवीन क्या हो 1.5 मल्टीप्लाइंग की पावर 8 मीटर हो किलोमीटर हो तो वेलोसिटी ऑफ लाइट ये कॉन्स्टेंट एक गिवन है। अब देखिएगा यहाँ पे जो गिवन है उसको हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन डेटा में डिस्टेंस हमें गिवन है एस इक्वल टू वन डिस्टेंस को हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं 1.5 मल्टीप्लाइंग 10 की पावर 8 किलोमीटर किलोमीटर में है इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमें पता है 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर्स होते हैं जिसको हम 10 की पावर 3 लिखते हैं क्योंकि 1, 2, 3 जीरोज हो तो 10 की पावर 3 हम लिखेंगे यहाँ पे। सो हमने लिखा है यहाँ पे किलोमीटर के जगह पे हमने इसको क्या किया 10 की पावर 3 में कन्वर्ट कर दिया मीटर्स में क्योंकि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर्स होते हैं। सो इन देखिएगा यहाँ पे इनके बेसिस सेम है तो पावर्स क्या होंगे 8 होंगे 1.5 मल्टीपल 10 की पावर 11 8 प्लस 3 11 मीटर्स। अब ये मीटर्स में कन्वर्ट हो गया स्पीड ऑफ लाइट गिवन है ये हमने लिखा है यहाँ पे और हमसे क्या पूछा है यहाँ पे फाइंड द टाइम टेकन कितना देर लगाया कितना टाइम टाइम हमसे पूछा है टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू व्हाट। सो फार्मूला जो है हमारे पास देखिएगा डिस्टेंस का फार्मूला है स्पीड का फार्मूला है एस इक्वल्स टू वी इंटू टी जो हमने ये स्पीड हमने ये फार्मूला लिखा था वी इज इक्वल टू एस अपॉन टी है यहाँ से हमें एस चाहिए टी चाहिए तो टी यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एस ऐसे ही आएगा फिर यहाँ से हम टी को अलग करेंगे एस अपॉन वी। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे जो हमें गिवन है। अब देखिएगा फार्मूला हमने पुट किया डिस्टेंस 1.5 मीटर 10 की पावर ए 11 और ये है हमारे पास स्पीड ये गिवन है। अब सेम जो पावर्स है देखिए 10 की पावर है उनको हम एक ही जगह लेके जाएंगे 10 की पावर 11 ये बड़ा है ये छोटा तो छोटा बड़े के पास लेके जाएगा तो ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव है यहाँ पे ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव होगा क्योंकि जब हम डिवाइड में से ऊपर मल्टीप्लाई में लेके जाते हैं डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर लेके जाते हैं तो पावर क्या होता है नेगेटिव होता है। अब यहाँ पे पावर क्या होंगे दोनों माइनस होंगे 11 में से 8 को माइनस किया हमने यहाँ पे तो 3 आया और 1.5 को हमने डिवाइड किया 0.5 आया 0.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मीन 10 की पावर 3 मीन 1000 10 के आगे 3 जीरोज लगाएंगे हम तो ये 1000 बनेगा 1000 से जब हम 0.5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 500 सेकेंड्स आएगा हम कहते हैं 500 सेकेंड्स के अंदर कितने मिनट्स होते हैं तो हम इसको क्या करेंगे मिनट में कन्वर्ट करेंगे। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे डिवाइडेड बाय 60 करेंगे क्योंकि एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं 60 से डिवाइड करेंगे 500 तो हमारे पास आएगा 8 और ये जो बचा ये हमारे पास क्या होगा सेकंड्स में होंगे ये मिनट्स में होगा जो बचेगा वो सेकंड्स में होगा तो 500 सेकंड्स के अंदर 8 मिनट 20 सेकंड्स आएगा ये हमारे पास क्या है लास्ट ये आंसर है। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास अ पर्सन हियर्स हेयर द इको ऑफ हिज ओन साउंड एक आदमी है वो अपनी गूंज उन्हें सुनाई देता है फ्रॉम अ डिस्टेंट एक दूर हिल से आफ्टर 2 सेकेंड 2 सेकेंड के बाद उनको अपनी आवाज़ की जो गूंज है उन्हें सुनाई दे रही है जो एक हिल से थोड़ी एक पहाड़ी से थोड़ी दूर बैठा हुआ एक शख्स है जो अपनी आवाज़ की गूंज उन्हें सुनाई दे रही है कितने सेकंड्स के बाद 2 सेकंड्स के बाद हाउ फार अवे इज़ अ पर्सन फ्रॉम द हिल कितनी दूर है वो आदमी इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड इज़ 330 मीटर पर सेकंड अगर स्पीड ऑफ साउंड क्या है 330 मीटर पर सेकंड है। आप देखिए डेटा बनाएगा गिवन डेटा टाइम आपको गिवन है 2 सेकंड्स स्पीड गिवन है 330 मीटर पर सेकेंड और रिक्वायर्ड जो है आपको डिस्टेंस कितना दूर है वो एस इक्वल्स टू वट। अब हम फार्मूला पता है एस इक्वल्स टू वी इंटू टी प्रीवियस न्यूमेरिकल के अंदर भी ये फार्मूला यूज़ हुआ था। अब हम पुट करेंगे इस फार्मूले के अंदर तो एस इक्वल्स टू 330 मल्टीप्लाई बाय 1 ठीक है तो यहाँ पे हमने क्या लगाया देखिएगा यहाँ पे
जो टाइम हम जो लेंगे यहाँ पे 2 सेकंड्स नहीं लेंगे हम, वो 1 ही सेकंड लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि देखिएगा जो आवाज़ है, जब उसने आवाज़ लगाई वो जाके हिल के साथ टकराएगी, फिर हिल के साथ टकरा के दोबारा उसकी तरफ आएगी। तो कितना टाइम लगेगा जाते हुए भी 1 सेकंड और आते हुए भी 1 सेकंड। तो हमें जस्ट डिस्टेंस फाइंड है, तो हम जाते हुए जो टाइम लेगा आवाज़ वो हम लेंगे, इसलिए यहाँ पे 1 सेकंड लेंगे, 2 सेकंड नहीं लेंगे। जो 2 सेकंड जो गिवन है वो आने और जाने का जो टाइम है साउंड का, वो वहाँ पे गिवन है, इसलिए यहाँ पे हम 1 सेकंड लेंगे। तो 330 को हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा यहाँ पे 330। तो जो डिस्टेंस है उस आदमी और हिल के बिटवीन वो क्या है, 330 मीटर है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास है 3.3, द कार मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। एक कार है जो वेलोसिटी से मूव कर रही है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 5 सेकंड, 5 सेकंड में वो रेस्ट में आता है। कैलकुलेट इस डिक्लेरेशन, उसकी नेगेटिव एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है। डिक्लेरेशन हमने पढ़ा है थ्योरी में, डिक्लेरेशन क्या होता है। अब जो गिवन डेटा है, गिवन डेटा में इनिशियल वेलोसिटी जहाँ से उसने स्टार्ट किया है वो उसकी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी। किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर में 1000 ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। किलोमीटर जो है के अंदर 1000 मीटर्स होते हैं और 1 आवर के अंदर 36 सेकंड होते हैं। 1000 अपॉन 36, तो 2020 से कैंसिल हो गया, 36 वन ज़ा 36, 10 वन ज़ा 10 मीटर। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 10 मीटर मीटर पर सेकंड है। अब टाइम टी इक्वल टू 5 सेकंड्स, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास वी एफ इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि 5 सेकंड के बाद वो रेस्ट में आता है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी इसकी, 0 होगी। अब जो रिक्वायर्ड जो हमें गिवन है क्या फाइंड करना है, डिक्लेरेशन एक्सेलरेशन ऑफ द कार मींस डिक्लेरेशन हमें फाइंड करना है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब जो एक्सेलरेशन जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव आएगी, क्योंकि हमें डिक्लेरेशन फाइंड करना है। फार्मूला है, फार्मूला एक्सेलरेशन का फार्मूला वी एफ माइनस वी आई, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो हमने पुट कर दिया वी एफ 0 है, वी आई माइनस 10 है 5। तो यहाँ से आपके आपसे आपके लिए बचा क्या, माइनस 10 और 5, 5 2 ज़ा 10। तो एक्सेलरेशन आया नेगेटिव मीटर पर सेकंड से, क्योंकि नेगेटिव साइन आया। तो ये क्या हमारे पास डिक्लेरेशन है। अब देखिएगा नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूमेरिकल है 3.4, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी हुज वेलोसिटी इंक्रीजेज फ्रॉम 11 मीटर पर सेकंड टू 33 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड्स। हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है और जिसकी वेलोसिटी जो है वो क्या है, इंक्रीज़ हो रही है 11 मीटर पर सेकंड से 33 मीटर पर सेकंड, कितने टाइम में, 10 सेकंड के अंदर। 10 सेकंड के अंदर 11 मीटर पर सेकंड से 33 मीटर पर सेकंड हो रही है बॉडी की वेलोसिटी, हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है। तो इनिशियल वेलोसिटी गिवन डेटा में 11 मीटर पर सेकंड है और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 33 मीटर पर सेकंड है। टाइम टेकन टी इक्वल्स टू 10 सेकंड्स हमें एक्सेलरेशन ऑफ दी बॉडी है। फार्मूला वही प्रीवियस जो फार्मूला जो यूज़ हुआ था वही यूज़ करेंगे, ए इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई टी डिवाइड बाई टी, 33 माइनस 11 डिवाइडेड बाई 10। तो 33 से 11 को माइनस 22, 10 और 22 को डिवाइड करने से 2.2 मीटर पर सेकेंड आएगा हमारे पास। ठीक है, ये एक्सेलरेशन है हमारे पास। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो क्या है, 3.5, बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। रिक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड, 5 सेकंड के अंदर उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, 10 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी होगी 5 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के अंदर इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। कैलकुलेट एक्सेलरेशन, द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस कवर्ड बाई द बॉडी इन 5 सेकंड, इन 5 सेकंड के अंदर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, और एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है। देखिएगा आप गिवन डेटा इनिशियल वेलोसिटी वी आई इक्वल टू 0, फाइनल वेलोसिटी वी एफ इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, और टाइम टेकन हमें गिवन है 5 सेकंड। एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है और डिस्टेंस भी हमें फाइंड करना है। फार्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई टी, वही सेम फार्मूला प्रीवियस। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन के लिए 10 माइनस वी आई 0 है, तो 5 2 ज़ा 10, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर आएगा। अब यहाँ पे हमें डिस्टेंस भी फाइंड करना है। डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, सॉरी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इक्वल वी आई टी प्लस 1 अपॉन 2 ए टी स्क्वेयर। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 5 टाइम टी,
तो 1/2 एक्सेलरेशन 2 है हमने फाइंड किया अभी, और टाइम 5 स्क्वेयर, तो 2 2 से कैंसिल होगा, 5 0 से 0 होगा, तो 5 का स्क्वेयर 25, तो डिस्टेंस जो होगा हमारे पास यहाँ पे 25 मीटर होगा। अब नोमेरिकल नंबर 6 है, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड आफ्टर 20 सेकेंड वेलोसिटी बिकम्स 108 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। एक कार है जो स्टार्ट कर रही है कहाँ से, रेस्ट से, रेस्ट तो नीचे वेलोसिटी इसकी जीरो होगी। आफ्टर 20 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी 20 सेकेंड के बाद, तो इसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 108 किलोमीटर पर आवर, तो इस किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे बाद में। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, एक्सेलरेशन में फाइंड का इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन थी, रेस्ट से स्टार्ट करी थी बॉडी, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, टाइम टेकन 20, फाइनल वेलोसिटी 108 किलोमीटर पर आवर, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कन्वर्ट करेंगे। किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं और आवर में 3600 सेकंड होते हैं, तो फिर से डिवाइड किया, 2020 से कैंसिल हो गया, और इस 108 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 36 से डिवाइड करें, तो हमारे पास जो आएगा वो आपने खुद से कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई करके 36 से डिवाइड करें तो आपके पास 30 मीटर पर सेकेंड आएगा। अब जो रिक्वायर्ड है यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ द कार हमें फाइंड करना, तो फार्मूला के अंदर देखिएगा वही फार्मूला सेम यूज़ हो रहा है, वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे, वी एफ माइनस वी आई टी डिवाइड बाई, क्योंकि एक्सेलरेशन फाइंड करना, 30 माइनस जीरो होगा क्योंकि नीचे वेलोसिटी जीरो है, 0 0 से कैंसिल, 3/2 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.50 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर आएगा, ये हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ द कार है। अब जो 3.7 है, अब देखिएगा 3.7, फाइंड द वेलोसिटी, सॉरी द वेलोसिटी ऑफ अ मोटरसाइकिल इंक्रीजेस बाय एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार। यहाँ पे हमने गिवन है द वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिल, जो मोटरसाइकिल की जो वेलोसिटी वो इंक्रीज हो रही है और बाय एन एक्सेलरेशन, इस एक्सेलरेशन के साथ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और बिकम्स 20 मीटर पर सेकंड, और उसके बाद जो उसकी वेलोसिटी हो रही है वो 20 मीटर पर सेकंड और इन 5 सेकंड के अंदर, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार। इनिशियल वेलोसिटी हमें फाइंड करना है, देखिएगा इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऑफ द मोटरसाइकिल, एक्सेलरेशन गिवन है, टाइम टेकन बाई मोटरसाइकिल टी इज इक्वल 5 सेकेंड, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिल वी इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। हमें इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी हमें फाइंड करना है, वी आई इज इक्वल टू व्हाट फार्मूला, वी के एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो यहाँ से हमें ये चाहिए, इसको हम यहाँ लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ रहेगा, तो ये यहाँ पे प्लस था, यहाँ आके क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो वी आई इज इक्वल टू 20 माइनस एक्सेलरेशन 2 है और टाइम 5 है, तो 5 से 10, 10 से 2 माइनस करेंगे और हमारा 10 मीटर पर सेकेंड आएगा, तो ये हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। अब हमें गिवन है 3 पॉइंट, क्या हमारे पास इसके बाद 3.8 है। अब 3.8 देखिएगा, 3.8 में क्या कह रहा है, अ बस इज़ मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक्स इट स्टॉप्स आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर, कैलकुलेट दी डिक्लेरेशन प्रोड्यूस बाय द ब्रेक्स। क्या कह रहा है, एक बस है उसकी जो वेलोसिटी है, बस इज़ मूविंग विद द वेलोसिटी, एक बस है जो मूव कर रही है, एक वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर ऑन द एप्लीकेशन, इस वेलोसिटी से मूव कर रही है, और उसके बाद उसके ब्रेक अप्लाई हो रहा होता है, ब्रेक अप्लाई होने के बाद बस स्टॉप करता है आफ्टर कवरिंग, कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद फिर वो स्टॉप हो जाता है बस। कैलकुलेट द डिक्लेरेशन, हमें नेगेटिव एक्सेलरेशन फाइंड करना है प्रोड्यूस बाय द ब्रेक, ब्रेक की वजह से बॉडी के बस के अंदर जो डिक्लेरेशन प्रोड्यूस होगी वो हमें फाइंड करना है। गिवन डेटा में हम इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 72 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 1000/3600, 0 0 से कैंसिल हो गए, 36 2 72, 2 × 10 20 मीटर पर सेकेंड फाइनल वेलोसिटी आई हमारे पास, ब्रेक लगाने के बाद वो रेस्ट में आती है, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, डिस्टेंस कवर्ड एस इक्वल टू 500 मीटर, तो रिक्वायर्ड जो है हमारे पास डिक्लेरेशन मीन्स ए इज इक्वल टू व्हाट, 2as वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, 2as 500, एस हमारे पास 500 है, वी एफ जीरो है, वी आई हमारे पास 20 है, 20 × 400 और 2 × 500 है 1000 ए, यहाँ से हमें ए चाहिए तो 1000 यहाँ आके डिवाइड होगा, तो 3 2 0 2 0 से कैंसिल होंगे,
तो 4 को 10 से डिवाइड करें तो 0.4 मीटर पर सेकेंड हमारे पास आंसर आएगा एक्सेलरेशन की। अब 3.9 है, कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन अ वेलोसिटी, एक कार है जो रेस्ट से स्टार्ट ले रही है और 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी अटेन कर रही है 5 सेकेंड में। फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय दी कार, हमें कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया हमें ये फाइंड करना है। इस फाइंड का इनिशियल वेलोसिटी स्टार्ट रेस से लिया था इसलिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी इसकी है जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, टाइम टेकन 5 सेकेंड्स, रिक्वायर्ड हमें जो है वो क्या है एक्सेलरेशन और क्या फाइंड करना है डिस्टेंस फाइंड करना है। देखिएगा इसमें जो गिवन है, देखिएगा एस हम डायरेक्टली हम फाइंड नहीं कर सकते जब तक हम एक्सेलरेशन फाइंड ना करें, क्योंकि जो फार्मूला यूज़ करेंगे वी आई टी प्लस 1/2 AT², अब यहाँ पे हमारे पास क्या है ए है, जब तक ए फाइंड नहीं हुआ तब तक हम एस फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पे एक्सेलरेशन भी फाइंड करेंगे और डिस्टेंस भी फाइंड करें। तो एक्सेलरेशन के लिए वही फार्मूला, फर्स्ट एक्सेलरेशन का एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन है वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी, 20 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 20 इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे आया हमारे पास 20/5, 5 × 4 = 20, एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड। अब हमें डिस्टेंस फाइंड करना है वी एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 AT². अब वी आई 0 है, टी 5 है, 1/2, ए क्या हमारे पास 4 है, ये हमने फाइंड किया यहाँ पे, और यहाँ पे टी 5² 0 हो गया, 5 × 0 = 0, 2 × 1 = 2, 2 × 4, 25, 5 × 25, अब 20 × 25 क्या होगा 50, डिस्टेंस जो है हमारे पास 50 मीटर आया। अब हमें क्या फाइंड करना है नेक्स्ट, जो है हमारे पास 3.10 है, देखिए अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टेकन 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर। अब एक स्टोन है एक टावर के टॉप से, उसको क्या किया जा रहा है ड्रॉप किया है, टेक्स 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड, ग्राउंड तक पहुँचने में वो 5 सेकेंड्स लेता है, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर, जो हाइट ऑफ द टावर है वो क्या होगा, जी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे जी की जो वैल्यू है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड है। तो हमने प्रीवियस जो अभी लास्ट जो लेक्चर में वहाँ पे 9.8 लिया है, देखिएगा जहाँ पे गिवन नहीं होगा वहाँ पे हम 9.8 लेंगे, जहाँ पे गिवन होगा न्यूमेरिकल के अंदर आपने ये यूज़ करना है तब हम 10 ही यूज़ करेंगे, 9.8 यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि राउंड ऑफ करके यहाँ पे 10 लिया हुआ। तो गिवन डेटा इनिशियल वेलोसिटी वाई इक्वल टू 0, टाइम टेकन टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, क्योंकि बॉडी यहाँ पे जी की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे वो इसलिए क्योंकि बॉडी नीचे की तरफ आ रही है अर्थ की तरफ, टूवर्ड्स अर्थ हम नेगेटिव नहीं पॉजिटिव लेते हैं। रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द टावर एस मीन्स एच हमें फाइंड करना है, तो फार्मूला वही जो हमने मॉडिफाई किया था ड्यू टू ग्रेविटी, एच इज इक्वल वी आई टी प्लस 1/2, ए की जगह जी टी स्क्वेयर, यहाँ एस की जगह हम एच लेंगे क्योंकि हाइट लेंगे यहाँ पे, तो वी आई 0 है 5, 1/2 इंटू तो एक्सेलरेशन 5 है, 10 है मल्टीप्लाई बाई 5², 2 × 1 = 5 = 10, तो ये 0 हो गया, 5 × 25 = 25 मीटर, तो एच की जो हाइट होगी यहाँ पे वो 125 मीटर होगी। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 3.11, अ बॉडी थ्रोज अ बॉल विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द टाइम इलेप्स बिटवीन द थ्रोइंग एंड कैचिंग द बॉल, हमें एक बॉडी है, एक बॉय है, एक लड़का है जिन्होंने एक बॉल को थ्रो किया है एक वेलोसिटी से, कितनी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द टाइम इलेप्स बिटवीन द थ्रोइंग एंड कैचिंग, ऊपर फेंकने और दोबारा कैच करने में जो टाइम लगेगा वो हमें फाइंड करने का, बॉल जो टाइम लेगा ऊपर जाते हुए और ऊपर से दोबारा नीचे आते हुए जितना टाइम लगेगा वो हमें फाइंड करना। इसकी इनिशियल वेलोसिटी देखिएगा यहाँ पे, किसी ने वेलोसिटी से वो ऊपर की तरफ फेंक रहा, इनिशियल वेलोसिटी वी आई 20 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी क्योंकि बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, वी एफ इक्वल टू 0, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0 क्योंकि वो कैच करने के बाद वो रेस्ट में आएगी फाइनल वेलोसिटी, टाइम टी इज इक्वल टू यहाँ पे हम लेंगे
टाइम हमें फाइंड करना है। तो फार्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे वी एफ इजल वाई वी आई जी प्लस ए टी जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो जी टी होगा यहाँ पे। तो यहाँ से हम टी की वैल्यू निकालेंगे तो वी आई यहाँ आएगा तो वी एफ माइनस होगा और जी यहाँ पे मल्टीप्लाई था यहाँ के क्या होगा डिवाइड होगा। तो टी इज इक्वल माइनस जीरो माइनस ट्वेंटी माइनस टेन, तो माइनस ट्वेंटी अपॉन माइनस टेन क्या होगा माइनस माइनस से कैंसिल जीरो जीरो से कैंसिल टू टू सेकेंड्स आया। अब ये जो टू सेकेंड है वो ऊपर जाने के लिए जब बॉडी ऊपर जाते हुए जो टाइम लेगा वो ये टू सेकेंड्स है। अब देखिए टोटल टाइम बिटवीन थ्रोइंग एंड कैचिंग द बॉल टाइम इक्वल टी इज इक्वल टी प्लस टी होगा ऊपर जाते हुए और दोबारा नीचे और टोटल टाइम का उसमें टू प्लस टू क्या होगा फोर सेकेंड। वो टोटल टाइम जो लगेगा थ्रोइंग और कैचिंग के दौरान जो टाइम लगेगा बॉल वो फोर सेकेंड्स होगा। अब इसके बाद जो है हमारे पास क्या है 3.12 है। अब 3.12 में देखो अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक स्टोन है उसको वर्टिकली ऊपर की तरफ थ्रो किया जा रहा है विद अ वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी 20 मीटर, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच द स्टोन कितना वॉज क्या हाइट रीच करेगा ज़्यादा से ज़्यादा कितना वो हाइट रीच करेगा स्टोन एंड द टाइम टोटल टाइम ऑफ द फ्लाइट वो कितना देर तक वो हवा में फ्लाई करेगा स्टोन। तो गिवन डेटा है इनिशियल वेलोसिटी वी इज इक्वल 20 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन जी इज इक्वल टू माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है ऊपर की तरफ हम फेंक रहे हैं तो अवे फ्रॉम दी अर्थ जब जाएगा बॉडी तो जी की वैल्यू माइनस 10 मीटर्स पर लेंगे। फाइनल वेलोसिटी वी इज इक्वल टू क्या आएगा जीरो आएगा। रिक्वायर्ड जो है हाइट है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखिएगा टू जी एच इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आर स्क्वेयर, एच हमें फाइंड करना हाइट टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टू जी। अब यहाँ पे जीरो लेंगे वी एफ क्योंकि जीरो है और इनिशियल वैल्यू 20 है टू मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस 10 ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा माइनस माइनस से कैंसिल जीरो जीरो से कैंसिल टू और 20 रहा तो एच हमारे पास है 20 मीटर टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आर डिवाइड बाई ए। अब टाइम हमें फाइंड करना है वी एफ जीरो माइनस 20 डिवाइड माइनस 10 तो क्या होगा जीरो जीरो से कैंसिल माइनस माइनस से कैंसिल तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास टू बचा 20 इज इक्वल टू टू सेकेंड्स। अब ये है हमारे पास अब लास्ट जो न्यूमेरिकल है 13.13 अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 40 मीटर, एक स्टोन है उनको उसको फेंका गया है कितनी हाइट से 40 मीटर की हाइट से। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, कितना टाइम लेगा वो ग्राउंड तक पहुंचने में, विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड और वो किस वेलोसिटी से आके वो ग्राउंड के साथ टकराएगा। सोल्यूशन है गिवन डाटा में इनिशियल वेलोसिटी वी आई इक्वल टू जीरो, हाइट ऑफ द टावर एच इज इक्वल टू 40 मीटर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, ये टूवर्ड्स अर्थ की तरफ आ रहा है तो जी 10 हम लेंगे यहाँ पे पॉजिटिव। अब रिक्वायर्ड जो है वो टाइम टाइम इक्वल्स टू 10 सॉरी टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू व्हाट एंड फाइनल वेलोसिटी वी इज इक्वल टू व्हाट। फार्मूला जो है हमारे पास एच इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर लेंगे, हाइट 40 है वी आई जीरो है और टाइम टी 1/2 10 मल्टीप्लाई 10 की स्क्वायर टी की स्क्वायर यहाँ पे ये जीरो हो गया 1/2 टू वन जो 10 टू और टी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया। अब टू वन जो टू फाइव ज़ा 10 फाइव वन ज़ा फाइव एट ज़ा 40 टी इक्वल टू टी स्क्वायर इक्वल टू 8 आया। अब हमें टी चाहिए तो टी स्क्वायर नहीं चाहिए तो रूट लगेंगे क्योंकि स्क्वायर को रूट कैंसिल कर रहा होता है दोनों साइड पर हम रूट ले लिया हमने टी रूट और स्क्वायर क्या होगा कैंसिल होगा। अब यहाँ पे जो अंडर रूट एट है अंडर रूट एट की वैल्यू जो आएगी हमारे पास यहाँ पे देखिएगा टी की जो वैल्यू आएगी दो वैल्यूज़ आएंगे हमने दो वैल्यूज़ में से हमने एक ही वैल्यू ले ली है एक तो हमारे पास आएगी नेगेटिव और दूसरी आएगी हमारे पॉजिटिव क्योंकि टाइम पॉजिटिव में होता है नेगेटिव में नहीं होता इसलिए हम टी इक्वल्स टू पॉजिटिव वाला टाइम लेंगे 2.82 सेकेंड्स। अब हम फाइनल वेलोसिटी लेंगे वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी और वी आई ज़ीरो है 10 मल्टीप्लाई 2.82 तो ये हमने फाइंड किया यहाँ पे वी इज इक्वल टू वी एफ इज इक्वल टू 0.28.20 मीटर
सेकंड, अब यहाँ पे जो आंसर आएगा हमारे पास वी एफ इक्वल टू 28.20 मीटर पर सेकंड आएगा। ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी होगी, ये नहीं होगी, ये हमारे पास आंसर है।